गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू सुपर एजुकेशन क्लासेस। आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे और माय व्यूअर्स, आप सभी लोग भी ठीक होंगे, आई होप सो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी क्रम में आपको थोड़ा सा आज जानकारी और बताते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपके सिवा एजुकेशन क्लासेस अब आपके लिए जो CBSE पैटर्न जो था उस क्लासेस के साथ साथ आपके लिए कंपटीशन की जो प्रिपरेशन है उसका भी अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, जिसके माध्यम से आप अच्छी से अच्छी नॉलेज को ले सकते हैं। और SSC है, बैंक है, PO है, रेलवे है, UP एंट्रेंस और जो पुलिस जैसी अच्छी जॉब्स जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसकी तैयारी के हिसाब से। तो ये तैयारी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रह सकती है। तो हमारे क्वेश्चंस के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लोगों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। तो इसी क्रम में अगर आप पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसकी रिप्लाई दे सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अभी वर्तमान के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह, उमा भारती। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, अभी वर्तमान के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह, उमा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में, इट मींस करंट ईयर में, आईटीआर का मींस होता है इनकम टैक्स रिटर्न, की अंतिम तिथि क्या है? 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई और 30 जून। आईटीआर की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून। इसमें से जो भी आंसर सही होगा वो आपको इसमें से देखकर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए, कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले किस राज्य ने कर्फ्यू लगाया था? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब। आई रिपीट माई क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले किस राज्य ने कर्फ्यू लगाया था? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स 2020 में कहाँ होना था? ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो इस साल कहाँ होने थे, किस कंट्री में, किस सिटी के अंदर? तो वो आपके ऑप्शंस आपके जो होंगे, लंदन, न्यूजीलैंड, टोक्यो, चीन। आई रिपीट माई ऑप्शंस, लंदन, न्यूजीलैंड, टोक्यो और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, 2019 में किस भारतीय को इकोनॉमिक्स क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? 2019 में किस भारतीय को इकोनॉमिक्स फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस हैं अभिजीत बनर्जी, सेकंड ऑप्शन है श्रीदेवी, थर्ड ऑप्शन है मनमोहन सिंह और फोर्थ ऑप्शन है रणदीप हुड्डा। आई रिपीट ऑल ऑप्शंस, अभिजीत बनर्जी, श्रीदेवी, मनमोहन सिंह, रणदीप हुड्डा। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे पहले 1907 में किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आई रिपीट क्वेश्चन, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले 1907 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शंस हैं जॉन कीट्स, रुडयार्ड किपलिंग, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर। आई रिपीट ऑल ऑप्शंस, जॉन कीट्स, रुडयार्ड किपलिंग, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर। तो आई होप यू आर एंजॉइंग विद दिस चैनल। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया में लॉकडाउन के दौरान झारखंड सरकार ने होम डिलीवरी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? आई रिपीट क्वेश्चन, इंडिया में लॉकडाउन के दौरान झारखंड सरकार ने होम डिलीवरी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है प्रज्ञान ऐप, जनता ऐप, भीम ऐप और प्रज्ञान ऐप। आई रिपीट ऑल ऑप्शंस, प्रज्ञान ऐप, जनता ऐप, भीम ऐप, प्रज्ञान ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1, 2020 से ओरिएंटल बैंक और इंडियन बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास के साथ, आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है?
आई रिपीट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आई रिपीट ऑल ऑप्शंस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इंडियन आर्मी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च स्टार्ट किया है? उसके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन कोरोना, ऑपरेशन स्टॉप, ऑपरेशन नमस्ते और ऑपरेशन कोविड-19। आई रिपीट ऑल ऑप्शंस, ऑपरेशन कोरोना, ऑपरेशन स्टॉप, ऑपरेशन नमस्ते और चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन कोविड-19। इसमें से जो भी ऑप्शन होगा वो आपको देखकर लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। मातृत्व भारत अभियान, सुपोषित माँ अभियान, सुरक्षित माँ अभियान और इनमें से कोई नहीं। आई रिपीट ऑल ऑप्शंस, मातृत्व भारत अभियान, सुपोषित माँ अभियान, सुरक्षित माँ अभियान और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनविंसिबल नामक एक पुस्तक लॉन्च की, यह किस पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री पर आधारित है? इसके ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, कपिल सिब्बल, मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली। आई रिपीट ऑल ऑप्शंस, निर्मला सीतारमण, कपिल सिब्बल, मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली। यही ऑप्शंस आपको देखने हैं और इसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ये पंजाब सरकार ने किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोवा पंजाब मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोवा पंजाब मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं एड्स, कोरोना वायरस, डेंगू, निपाह वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस सरकार ने कोरोना वायरस से मृत व्यक्ति को 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है? पंजाब सरकार, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान सरकार। ऑप्शंस हैं पंजाब सरकार, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान सरकार और दिल्ली सरकार। इनमें से एक ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, हाल ही में किस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी मींस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मनोज तिवारी। आई रिपीट ऑल ऑप्शंस, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मनोज तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या करने पर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? ऑप्शंस हैं हरी सब्जी खाना, दिन में एक बार भोजन, सोशल डिस्टेंसिंग करके, इनमें से कोई नहीं। फिर दिस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या करने पर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? हरी सब्जियां खाकर, दिन में एक बार भोजन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शंस हैं सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, थर्ड फोर्थ टाइम और थर्ड टाइम, यानी दूसरी बार, पहली बार, चौथी बार या तीसरी बार। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? ऑप्शंस हैं चाइना वायरस, सार्स कोव टू, कोविड-19 या नन, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस हैं चाइना वायरस, सार्स कोव टू, कोविड-19 या नन। इनमें से एक ऑप्शन आपके लिए ठीक होगा, वो आपको अपने लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट को शुरू किया है? ऑप्शंस हैं google.com/covid-19, google.com/corona, google.com/coronavirus और नन, या इनमें से कोई नहीं। मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दूँ, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? जिसके ऑप्शंस हैं google.com/covid-19, सेकंड ऑप्शन है google.com/corona, थर्ड ऑप्शन है google.com/coronavirus और लास्ट ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है?
कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन है अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी या उर्दू। आई रिपीट ऑल ऑप्शंस, अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी या उर्दू। ये वीडियो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस आपके जो स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन सभी को आप अच्छे से करते रहिए। 20 क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट सीरीज में भी आपको हमने दिए थे और सेकंड सीरीज में भी हमने आपको 20 क्वेश्चंस दिए हैं। आई होप सो ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे टाइप कर सकते हैं। इनके आंसर्स एज यूजुअल पहले की वीडियो की तरह आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर दे दिए जाएंगे, जिनसे आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से कोई कमेंट्स, किसी प्रकार की कोई डाउट्स या कंप्लेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझको लिखकर दे सकते हैं, जिसके आपके डाउट्स को एज सून एज पॉसिबल आपके सॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो आइए, कोरोना वायरस से बचें और अपने घर पर ही रहें, एक दूसरे से ग्रुप मिलाकर एक दूसरे से बात ना करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।